दियो भले दियो किरंद कलियों पे थे गूंजते घूमते आई गोलोक से पावन गंगा रूप सुंदर निरख श्याम का उसी घड़ी मर मिटी कृष्ण पर मुग्ध हो पावन गंगा मन मतंगित हुआ चार नजरे हुई तो कल्पनाओं में बिचरण करे पावन गंगा जब मुखाकृत हुई राधिका श्याम से लाजियो भय से कंपित हुई पावन गंगा सुनने वाले बिरहा के श्रोता बंधुओं, मैं गायिका कुमारी सुमित्रा नंदिनी सैदाबाद हंडिया इलाहाबाद प्रयागराज की पावन धरती से अखाड़ा स्वर्गीय श्री राम ही सीताराम यादव, निर्देशक श्री खेमराज यादव, प्रकाश भाई मलदहिया वाराणसी के देखरेख में ये भक्ति रस बिरहा आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। उम्मीद है, आशा है, विश्वास है कि आप लोग इसे सुनेंगे और पसंद करेंगे, हमें आशीर्वाद देंगे। बिरहा के अंदर एक लाइन कव्वाली का अंदाज है, कहना है कहत बा कहत बा मास्टर साहब, और सब चीज में धोखा हो जाए ठीक बा, लेकिन प्यार में धोखा हो जाए तो बहुत गड़बड़ी बात बा। यही से कहना है, गर तुम न रहोगे, गर तुम न रहोगे तो वफा कौन करेगा, अगर तुम न कौन करेगा, लेकिन बिरहा में भाव है, इसमें ब्रह्मलोक पृथ्वी लोक पाताल लोक की कोई बात नहीं मिलेगी, इसमें बात मिलेगी बैकुंठ लोक गोलोक अमर लोक की बात मिलेगी। बिरहा के अंदर भाव देना पड़ा, जना सुनने वाले श्रोता बंधु कहानी पर गौर करेंगे।
एक दिन भगवान श्री नारायण गोलोक में विराजमान है, तब तक कहीं से घूमते घूमते देवी गंगा पहुंच गई और कृष्ण का सांवला रूप देख करके मन मुग्ध हो गई, कृष्ण से नयनाचार हो गया। तो मास्टर साहब, ये कलयुग के एक ठे खासियत बा, मेहरारू सब कुछ बर्दाश्त कर सकत थी, एक टाइम कम खई ही चले, धोती में दो चार जगह पेवना लगा रहे वो हो चले, पेवना का होला भाई, जैसे कपड़ा उपड़ा फट जाए तो मन अलग से कपड़ा लगाए के सी दे, लेकिन काठे को सवत बर्दाश्त नहीं कह पौते। कृष्ण भगवान के बगलिये में देवी राधिका जी बैठी है, तो गंगा जी को देख करके क्रोध में आ गई और कहती क्या है, अरे राधा कह, राधा कह तन में मेरे ज्वाला जला रही, राधा कह तन में मेरे ज्वाला जला रही, नजर से चला रही, सुनने वाले साथियों, कृष्ण भगवान तो केवल लीला द्वापर में किए हैं, कृष्ण भगवान तो तब से थे जब चारों तरफ शून्य काल था, लीला द्वापर में किए हैं। श्री हरि नारायण जी बैठे हुए हैं गोलोक में, गंगा और कृष्ण की जब नयनाचार हुआ तो राधिका जी बगल में उठ करके खड़ी हो गई, मारे क्रोध में कहती हैं, क्या कहती हैं, कवि जी बिरहा में एक नया मोड़ दिए, कहना है कवन आपके नारी नारी वार नजरों से करती, तन को रही हमारे जार जार रहे तुम भी दिल मेरा, नारी अनेकों से कर प्यार प्यार कहीं शांति गोपी से, कहीं क्षमा से नजरे चार प्यार कहीं शांति गोपी से, क्यों करते इससे व्यवहार, हार आप हैं गले के मेरे, सुनी गंगा कंपित उस बार 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 हरि का सुमिरन कर, हुई लुप्त तब सभा मझार बार बार हरि का सुमिरन कर, साथियों राधिका जी मारे क्रोध में उठी, मैं गंगा जी को मार डालूंगी, इनकी हिम्मत कैसे हुई, मेरे रहते हुए कृष्ण से नयनाचार करने की, तो मैंने पहले ही कहा ना, औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती लेकिन काठे को सवती ना ही बर्दाश्त कर सकती। आज कल युग में नहीं हर जमाना में रहा, राधिका जी उठी मारे क्रोध में और गंगा जी को मारने के लिए चली, गंगा जी भगवान श्री कृष्ण का सुमिरन करके वो उस सभा में लुप्त हो गई, और जब लुप्त हो गई तो किस रूप में प्रकट हुई, बिरहा में एक लाइन तर्जवा, हमार माता बहन लोग गावा कर थी, ये हमरे सौधी मिट्टी के हिंदुस्तान के पारंपरिक गीते है, आई न कबो पुराण भई व न कबो पुराण होई, माँ बहने लोग गाया करती है कैसे मास्टर साहब, अरे नजर
लागी राजा तोरे बंगले पे। ये तो हमार महतारी बहन लोग गाव थी। बिरहा में वीर रस को पैदा करने वाले स्वर्गीय बाबू श्री रामदेव यादव जी गा गए हैं बिरहा में एक धुन, और आज भी गाई जाती है तो प्यारी लगती है। कौन सी धुन है कहना है। हमार पाय जेब राजा हीरा जड़ा दा, हमार पाय जेब राजा हीरा जड़ा दा, हमार पाय जेब राजा हीरा जड़ा दा। उड़ली झूलनिया पे, उड़ली झूलनिया पर जहाजिया उड़ा दा, हमार पाय जेब राजा हीरा जड़ा पुरस्कार। ये पुरस्कार नहीं है, ये आशीर्वाद है हमारे लिए। इस समय हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं कलाकारों के भीष्म पितामह। ये मैं कहती हूँ, कहती रहूंगी ताउम्र जब तक जीवित रहूंगी, जिनकी देन है कि ये नंदिनी आज पूरे पूर्वांचल में बिरहा गा रही है। पूरे पूर्वांचल के लोग एक तरफ, बाबू श्री बनवारी लाल यादव जी एक तरफ, इनका नाम ही है बाबू श्री बनवारी लाल यादव जी। पूरे टीम की ओर से यह पुरस्कार आया है। बाबू श्री बनवारी लाल यादव नेताजी मरीमाई तेलियाबाग कैंट वाराणसी से, श्री शिवमूर्त यादव एडवोकेट साहब, श्री जवाहिर सरदार मलाई वाले पांडेपुर वाराणसी से, सियाराम यादव होटल वाले धौसाबाद वाराणसी से, श्री कमलेश वर्मा मीडिया प्रभारी बिरहा कलाकारों के मीडिया प्रभारी उदयपुर वाराणसी से, श्री पाल पाल अमर पट्टी वाराणसी से, श्री हमारे धर्म के बड़े भाई श्री आनंद यादव जी चुप्पेपुर नवगढ़ चंदौली से, बाबू श्री बनारसी लाल यादव जी तुल्लापुर जलालपुर जौनपुर से, श्री रमेश यादव जी सारनाथ श्री ललई बाबू जी की ओर से, राजकुमार यादव छेना वाले परानापुर वाराणसी से। ये 2001 रुपया ये पुरस्कार नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जिनकी देन है कि मैं पूरे पूर्वांचल में गा रही हूँ। बहुत बहुत आपके चरणों में सादर नमन। आशीर्वाद दे कि हम बच्चे अपने कला क्षेत्र के फल में हमेशा कामयाब हो। जय श्री कृष्णा। तर्ज का भाव है, बाबू रामदेव यादव जी गा गए लेकिन हमरे बिरहवा में भाव बा। सुघर तन हो गई ले गंगा का पानी, अरे नारी का भेष छोड़ी, हे नारी का भेष छोड़ी दिहली भवानी, सुघर तन हो गई ले गंगा का पानी। राधा कहाँ तोहके देबई न जाई, पियई बिना चुल्लू से जल को उठाई, हे भयभीत सुरसरी, भयभीत सुरसरी हरि पग में समानी, सुघर तन हो गई ले गंगा का पानी। गंगा जी का सुघर शरीर राधा जी के डर से पानी में परिवर्तित हो गई, जल में परिवर्तित हो गई। और जब गंगा जी का बदन पानी बन गई
राधिका जी कहा तू चाहे जवन रूप पकड़ा लेकिन हम तोके छोड़ा कौनो भी कीमत पर ना छोड़ा। वही राधिका जी पहुंचे चुल्लू से उठाए के गंगा जी के हम पी जा आव कन्हैया से चली हो इश्क लड़ा हुई हमरे जियते जिंदगी। वही राधिका जी पहुंचिन पानी पिए बरे तब तक गंगा देवी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के पदनख में समा गई। और जब पदनख में समा गई तो राधिका जी हैरान हो गई परेशान हो गई। और जब परेशान हो गई तो करती क्या है बिरहा में एक लाइन बहुत बेजोड़ तर्जवा मास्टर साहब। बिरहा के एक स्तंभ थे सिंगार रस के गवैया स्वर्गीय बाबू श्री बुल्लू ग्वाल जी गाया करते थे। देखा बुल्लू ग्वाल जी बुल्लुए रहे नंदनी नंदनिये रही हम इलाहाबाद का एक ठे मामूली से कलाकार है अब हम दादा न बन जा लेकिन प्रयास जारी है कहना है। बड़ी रसिया धुन है मास्टर साहब। अरे रहली मद मातंग में रहली मद मातंग में अरे विभोर छोटी नूनू दी रतिया की झूलनिया लई गे चोर छोटी नाना दी कन्हैया के पदनक में समाहित हो गई तो भगवान एक काम कर दिए अनेकों नाम है मालिक का कहना है। अरे रहे बनवारी मंद एक बाबू बनवारी लाल यादव जी स्टूडियो में मौजूद एक बनवारी वो थे कि रहे बनवारी मंद मंद मुसकाई हो ढूंढी करके हारी राधा गंगा ना भेटाई हो लोक वैकुंठ लोक ब्रह्म लोक गाईली नाही कौन लोकवा में दोसरी भेटाईली ढूंढी करके हारी राधा गंगा ना भेटाई हो कुंठ लोक ब्रह्म लोक चारों तरफ राधिका खोज रही है लेकिन देवी गंगा का कहीं पता नहीं है। एकदम पसीना पसीना हो गई है परेशान है लेकिन जब गंगा जी का कहीं पता नहीं चला इधर त्राही त्राही मचा जल गई ले वो राई हो। जब गंगा जी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के पदनख में समा गई तो तीनों लोक जल के बगैर त्राही त्राही करने लगा। जब त्राही त्राही करने लगा तो हुआ क्या कभी को बिरहा शैली में टेरी का भाव देना पड़ा। हमारे अखाड़े के उच्च कोट के कलाकार स्वर्गीय बाबू श्री राम कैलाश यादव जी गाया करते थे। आइए मास्टर साहब कहना है रामा 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 अरे मोरे रामा लोको में अजब तवाही छा गई
दुखी सुर मुन की मिटी उछाही, लोको में अजब तवाही छा गई। सुनने वाले बाबूजी, जल बिन जीव दुखी सुर मुन की मिटी उछाही, लोकों में ये जब तवाही छा गई। जब बगैर जल के तीनों लोग परेशान हो गया, तो जल नहीं है तो जीवन कहाँ है, पानी है तो जिंदगानी है, पानी नहीं है तो जिंदगानी कौने काम के बा। राधिका जी परेशान हो गई, तीनों लोक में खोज करके थक गई और गोलोक में आकर के श्री कृष्ण के बगल मुंह फुला करके बैठ गई। इधर तीनों लोक में जब सब लोग परेशान होने लगे, तो सब देवी देवताओं ने मिल करके जा करके गोलोक में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया से अर्ज की, और भगवान श्री कृष्ण कन्हैया 3300 कोटि देवताओं की अर्ज सुन करके प्रकट हुए। तो किस रूप में, बिरहा में एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब, लेकिन तर्ज से बढ़िया फर्ज हमारे बिरहा में बा। राधा यो श्याम जी के ये कही बारू पवा, देखी देखी सुरमुनि के चले नबी बेकवा, देखी देखी सुरमुनि के चले नबी बेकवा, राधा यो श्याम जी के ये कही बारू पवा। कभो बने कृष्ण कभो कृष्ण बने राधा, कभो एक तनावा पे रहा आधा आधा, बिनती करे ले ब्रह्मा जोड़े दोनों हथवा, बिनती करे ले ब्रह्मा जोड़े दोनों हथवा, राधा यो श्याम जी के कही बारू पवा। तीसों कोट देवताओं की बिनती सुन करके श्री कृष्ण कन्हैया जी प्रकट हुए, लेकिन एक लीला कर दिए। कभी कृष्ण राधा बनते हैं, कभी राधा कृष्ण बनते हैं, कभी अलग अलग रूप में नजर आते हैं, कभी एक तरफ राधा और एक तरफ कान्हा। जब 3300 कोट देवताओं ने भगवान की ये लीला देखी, तब हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु हम लोगों के साथ में छल मत कीजिए, हम लोग बहुत परेशान हैं। जब इतना बात सुने भगवान श्री कृष्ण कन्हैया, तो एक काम कर दिए, बिरहा में पापट का भाव है, कहना है। हे देख करिश्मा देवता गईले हारी शंका भारी बा, देख करिश्मा देवता गईले हारी शंका भारी बा, दीन दयालु प्रगट हुए बनवारी शंका भारी बा, कहां कृष्ण आवै के कारण हम सब ही के जानी हो, लेकिन छोड़त गंगा के पी जई है ई राधा महारानी हो, सके केहू नयन कर क्रोध संहारी शंका भारी बा, तब ब्रह्मा राधा से कहे तिखारी शंका भारी बा। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया और राधिका जी अलग अलग रूप में अपने अपने रूप में प्रकट हुए। तब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने कहा कि हे देवतागण, मैं आपके आने का कारण समझ रहा हूँ, लेकिन हमरो मजबूरी बा, अगर हम गंगा जी के छोड़ दे तब वो आप लोग ना पाऊबा। कहे
काई बगलिया में राधिका जी खड़ी है, गंगा जी के छोड़ते मान पी जाई। हाँ, हमारे पास तो है सुरक्षित है, हम कभो न कभो दयु देव, लेकिन राधिका जी पी जाई है तो ये कभो लौट ही नहीं। बड़े संकट में पड़ जावा सब लोग। इतना बतिया जब सुने ब्रह्मदेव, तब उन्होंने कहा कि है देवी राधिका, आप इतना क्रोध मत करिए, मेरी बात को गौर से सुनिए। एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के सामने तमाम देवी देवताओं का जमघट लगा हुआ था। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती नृत्य कर रहे थे, डमरू बजा करके संगीत गाई जा रही थी, और उस संगीत पर उस नृत्य पर मन मुग्ध हो करके राधा और कृष्ण दोनों का प्रेम हुआ, और दोनों के प्रेम लीला से आप गर्भवती हुई, और आपके पेट से जो लड़की पैदा हुई वो कोई और नहीं यही गंगा है। तो कोई अपने बेटी से इतना बड़ा क्रोध करता है? राधिका जी कहाँ बिटिया हैं तो हमारे पति से ब्याह करी, बिटिया हैं तो बिटिया की तरह रहे ना, अल्लाह में भाव देना पड़ा कहना है। भेदावा के पाके देवी राधा हर सैलिए भैया, पाद नख से निकली है गंगा उस पार, जल कुछ कमंडल में ब्रह्मा ले लिहले पंचो, शेष भाग भोले लिहले सीरावा पे डार, आपके मात्र क्रोध के कारण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। पांच तत्व से इस शरीर की रचना हुई है, उसमें एक तत्व जल है। आपके क्रोध के कारण देवी राधिका सृष्टि का विनाश हो जाएगा। जब इतना बात सुनती है देवी राधिका, तो ब्रह्मा जी की बातें सुन करके देवी राधिका का गुस्सा जाता रहा, और इधर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के पद नख से, उनके दाहिने पांव के दाहिने अंगूठे से, पदनक से जब बाहर आई तो थोड़ा सा जल ब्रह्मा जी अपने कमंडल में ले लिए, बाकी जो बचा था भगवान भोलेनाथ अपने जटा में धारण कर लिए। यहीं पर भगवान नारायण एक लीला किए, जल तो ब्रह्मा जी ले लिए, जो बचा था उसे भोलेनाथ ले लिए, लेकिन जल अलग हो गया और स्त्री रूपी गंगा जी अलग हो गई। भाव देना पड़ा कहना है। सीधे वैकुंठ लोक आई गंगा रनिया ए भैया, बैठिए कवोरी आपन मुहावा गिरा, ब्रह्मा नारायण तब बोले ते ही छनवा बाबू, बिना बनवारी ने केहू ना सोहा, वाले श्रोता बंधुओं जरा गौर करेंगे, ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, ये पौराणिक दास्तान है। गीत के अंदर भाव देना पड़ा,
कवि को लिखना पड़ा। सीधे जो स्त्री रूप वाली गंगा जी थी, देवी गंगा, सीधे वैकुंठ लोक में गई और अपना मन गिरा करके बैठी हुई है। तो जब मुंह फुला करके बैठी हुई है तो नारद जी और ब्रह्मा जी जब पहुंचे तो नारद जी कहाँ है ब्रह्मा जी, तनी देखा देवी गंगा के इनकर चेहरा कैसे मुरझान बा। तब ब्रह्मा जी कहा बिना बनवारी इन्हें केहू न सुहाए, बिना नारायण के बिना श्री कृष्ण को इनको सब एकदम सोना लग रहा है। जब इतना बात सुने नारद जी कहे महाराज तब बियाहवा कराए कहे नहीं देता, जब बिना भगवान के इनकर मनवा लागत नहीं बा तब बियाहवा कराए कहे नहीं देता। जब इतना बतिया ब्रह्मा जी सुने कहे देवी राधिका ऐसन हो ना देही, तो प्रभु की माया कहीं धूप कहीं छाया। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी वहां पर भी एक लीला किए, कौन सी लीला किए कहना है। अरे तो एक चतुर्भुज रूप एक बजाए बसिया, एक चतुर्भुज रूप एक बजाए बसिया, त गंगा देवी के सपनवा पुराए रसिया। धरे कृष्ण दो नारायण गंगा से ब्याह रचाए, करा के शादी तब ब्रह्मा जी ब्रह्मपुरी में आए, वेदवा लिखल बा पुरनवा पुराए रसिया। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया दो रूप धारण किए, एक तरफ चतुर्भुज रूप और एक तरफ कृष्ण का रूप। तो नारायण वाले रूप से देवी गंगा से ब्रह्मा जी वेद मंत्र के उच्चारण द्वारा विधि विधान से वैकुंठ लोक में शादी करवाए। ये मैं नहीं कहती, ये ब्रह्म वैतर्व पुराण कहता है। बड़े वेद विधान से जब ब्रह्मा जी श्री नारायण जी और देवी गंगा जी का विवाह संपन्न कराए, भाव देना पड़ा, अगली लाइन में कहना है। लक्ष्मी सरस्वती तुलसी और गंगा चार थी रानी, यही प्रिया थी नारायण की, सीताराम बखानी ज्ञानी मंगल का लिखनवा पुराए रसिया। हमारे अखाड़े के कवि श्री मंगल जौनपुरी जी ने इस गीत को लिखा है और ये मैं नहीं कहती, ये ब्रह्म वैतर्व पुराण कहता है। लक्ष्मी सरस्वती गंगा और तुलसी चार थी रानी, यही प्रिया थी नारायण की, सीताराम बखानी ज्ञानी मंगल के लिखनवा पुराए रसिया। हरि अनंत हरि कथा अनंता, आखिरी और अंतिम प्रमाण में गुरु घराने के परिचय के साथ में कहना है। स्वामी सीताराम हित कवि लहुरी स्वर्ग सिधारे, शंकर शोभनाथ मंगल जौनपुरी जी गीत सवारे। हरे राम लोकों में अजब तवाही छा गई, नंदनी खे महाराज के सदगुरु दे गवाही, लोकों में अजब तवाही छा गई। सपने सुहाने लड़कपन के, मोरे जीवन में आए बहार बन के,
बहार बन के बहार बन के बहार बन के बहार ये सपने सुहाने लड़कपन के मोरे जीवन में आए बहार बन के